हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंटेंस डाटा बायोलॉजी। आज की इस वीडियो हम देखेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 66 से क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। डिटेल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लिंक क्लिक करके डिटेल वीडियो देख सकते हैं। एनटीए अभ्यास टेस्ट के सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। आपको 60 तक सारे एनटीए अभ्यास टेस्ट मिल जाएंगे और इस टेस्ट का भी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बायो, देन केमिस्ट्री, उसके बाद आएंगे फिजिक्स पे। अगर इस वीडियो का क्वालिटी आपको बहुत लो लग रहा है तो आप वीडियो डर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं क्रोम से। उसके बाद वीएलसी मीडिया प्लेयर पर चलाएंगे तो आपके मोबाइल पे फुल स्क्रीन पे चलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बायो का, जो बीडीडर का जो एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड कर लें और वीएलसी मीडिया प्लेयर से आप फुल स्क्रीन पोर्ट्रेट मोड में चला सकते हैं तो अच्छा चलेगा। ओके, और इसे डाउनलोड करके रखें तो बार बार रिवाइज करने में काम ही आएगा, जब तक नीट का एग्जाम ना हो तब तक। क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे कर रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग पेयर ऑफ अ सेंचुरी एंड इट्स मेन प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल। आंसर हमारा ए होगा, लायन। लायन जो है वो गिर फॉरेस्ट में होते हैं। ओके, गिर फॉरेस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग लायन। द इकोसिस्टम ऑफ गिर विथ इट्स डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, इट रिजल्ट्स ऑफ द इफोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट एंड एनजीओ। द फॉरेस्ट एरिया ऑफ गिर एंड इट्स लायन आर डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड इन द ईयरली 1900 बाई देन नवाब ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़। इम्ब्रोइड्स आर द आंसर ए, इम्ब्रोइड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कल्चर ऑफ द सोमैटिक प्लांट सेल। सोमैटिक सेल्स आफ्टर अटेनिंग द स्टेशनरी फेज इन द सेल सस्पेंशन, ईच सेल डिफ्रेंशिएट इनटू एन इंडिपेंडेंट इम्ब्रियो कॉल्ड इम्ब्रोइड्स। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन इज नॉट प्रेजेंट इन, तो आंसर यहाँ लेमन होगा। पपाया, प्राइमरोज और डायंथस में जो हमारा फ्री सेंट्रल होता है, इसका हमने ट्रिक बताया था पिछले वीडियो में। ये पीडीएफ याद रखेंगे, पी फॉर प्राइमरोज, डी फॉर डायंथस और एफ फॉर फ्री सेंट्रल। लेमन में शायद एग्जाइल प्लेसेंटेशन होता है। ओके, ईच लोकी दिस इज एक्साइल एग्जाइल प्लांटेशन। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फोर पे। मेजोरिटी ऑफ प्रोटीन्स ऑफ इंट्रा सेलुलर यूज आर नॉट सिंथेसाइज ऑन, ए यहाँ पे कर रहा है राइबोजोम प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियोलस, बी राइबोजोम्स अटैच्ड विथ ईआर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सी राइबोजोम्स प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, डी फ्री राइबोजोम्स ऑन यूकैरियोटिक सेल्स, ई राइबोजोमल सब यूनिट्स फॉर्मिंग पॉलीराइबोजोम्स विच आर फाउंड इन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे कह रहा है मेजोरिटी ऑफ प्रोटीन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड ऑन, तो यहाँ पे ए और डी होगा, यानी कि राइबोजोम प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियोलस और डी फ्री राइबोजोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में यहाँ पे जो है वो मेजोरिटी ऑफ प्रोटीन्स नॉट सिंथेसाइज्ड होते हैं। ऑल राइबोजोम्स आर सिंथेसाइज्ड एंड असेंबल इन न्यूक्लियोलस, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोसोल ऑफ द सेल। सम प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन सेक्रेटरी सेल्स आर सिंथेसाइज्ड बाई राइबोजोम्स अटैच टू द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, दीज इंक्लूड द डाइजेस्टिव इंजाइम प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक एंड द प्रोटीन हार्मोन लाइक इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाई इन द पैनक्रियाज। द स्टडी रिलेटेड टू द गिवन बिलो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन इज, आंसर होगा डी एंथ्रोपोलॉजी। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट। एंथ्रोपोलॉजी इज द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन्स एंड इट्स बिहेवियर एंड सोसाइटीज इन द पास्ट एंड प्रेजेंट। सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड दियर इन्वायरमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लिस्टोगैमी, आंसर सी वायोला। बहुत सारे एग्जाम्पल ये पूछ चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। इन क्लिस्टोगैमी बायसेक्सुअल फ्लावर नेवर ओपन, देयर फॉर द पोलन ग्रेन्स मे ओनली पोलिनेट द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एग्जाम्पल कॉमेलिना, बेंगेलिनिस और डे फ्लावर और जो है वायोला ओडोरेटा।
मिल्क इज चेंज्ड इनटू कर्ड बाय, आंसर होगा यहाँ पे डी, नन ऑफ दीज, जो लैक्टोबैसिलस उसे उससे होते हैं यहाँ पे, एल ए बी लैब, मैक्रोऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड एट 40 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूसेस एसिड्स दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम एज स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ लैब विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई दस कन्वर्टिंग मिल्क इंटू कर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज एब्सोल्यूटली असेंशियल फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द इको सिस्टम, आंसर हमारा सी होगा, प्रोड्यूसर एंड डेट्रीवर्स. इको सिस्टम कंपोजिट ऑफ बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड्स प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डेट्रीवर्स, द प्रोड्यूसर्स एंड डेट्रीवर्स आर द एब्सोल्यूटली असेंशियल फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द इको सिस्टम. ओके, कंज्यूमर नहीं भी रहेंगे तो इको सिस्टम चलेगा. एवेना कोलियोप्टाइल टेस्ट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ, आंसर ए आई ए, यानी इंडोल एसिटिक एसिड. एवेना कर्बेज टेस्ट कैरिड आउट बाई एफ डब्ल्यू वेंट डेमोस्ट्रेटेड द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन प्लांट ग्रोथ बाई परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट्स विद द ओट. एवेना सेटिवा कोलियोप्टाइल आई ए इज द नेचुरल ऑक्सीजन. ऑक्सीजन आर वीकली एसिडिक ग्रोथ हॉर्मोन्स हैविंग एन अनसैचुरेटेड रिंग स्ट्रक्चर एंड कैपेबल ऑफ प्रमोटिंग सेल इलोंगेशन स्पेशली एट स्पेशली ऑफ शूट्स. पॉलियोस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाई ऑल द इवेंट्स एक्सेप्ट, आंसर होगा डी, सोडियम केट्स इन द एग मेम्ब्रेन गेटिंग क्लोज, ए नहीं होता है, बाकी ए बी सी होंगे. इलेक्ट्रिकल चेंजेज इन द एग मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन होंगे, कॉर्टिकल रिएक्शन होंगे और जोना जोना रिएक्शन भी होंगे. ओके, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिरामिड इज, तो यहाँ पर आंसर ए है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन द ग्रास लैंड इकोसिस्टम. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे उसमें कुछ करेक्शन होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है. ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्या कर रहा है, अपराइट पिरामिड. तो हो सकता है शायद यहाँ पे द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपराइट पिरामिड होना चाहिए. ओके, यहाँ पे कह रहा है अपराइट पिरामिड, इन द अपराइट पिरामिड द बेस ऑक्यूपाइड बाई द प्रोड्यूसर इज ब्रॉड एज कम्पेयर टू सब्सिक्वेंट कंज्यूमर्स विच ग्रेजुअली नैरोज डाउन द एपेक्स. इट अकर्स इन ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ पिरामिड्स. पिरामिड्स ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड बिकॉज वेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट एट ईच स्टेप. द गिवेन पिरामिड रिप्रेजेंट्स द ग्रास लैंड इकोसिस्टम. तो इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है तो आप करेक्ट करके ही पढ़ें. क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, कौन सा फॉल्स है. यहाँ फर्स्ट कह रहा है मोस्ट सेल्स आर टीनी एंड दियर वॉल्यूम रेंजेज फ्रॉम 1 to 1000 नैनोमीटर स्क्वायर, ये गलत है. सेकेंड यहाँ पे कह रहा है सम सेल्स हैव माइक्रोविलाई टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, बिल्कुल सही है. थर्ड यहाँ पे कह रहा है ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये भी सही है. फोर यहाँ कह रहा है इन जाइलम सॉरी इन प्लांट्स ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज इज परफॉर्म बाई जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, तो ये हमारा गलत है. यहाँ पे जाइलम वेसल्स नहीं होते हैं, फ्लोएम से होते हैं, सीव ट्यूब से. अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल सेल अराइज फ्रॉम ए बायोटिक मटेरियल, ये भी हमारा गलत है. यानी कि फर्स्ट फोर और फिफ्थ जो है गलत हैं. इन प्लांट्स ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज इज परफॉर्म बाई फ्लोएम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स. अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स नॉर्मली रेंज बिटवीन 1 to 1000 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स अराइज सेल रेंजेज फ्रॉम 0.1 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स आर, आंसर ये होगा सिनोर बेडाइटिस एंड एग्रो बैक्टीरिया, में जो है पीछे पीछे भी आ चुका है एक क्वेश्चन. बोथ आर यूज एज वैक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट, एजोटोबैक्टर इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्राइट, राइजोबियम इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, डिप्लोकोकस निमोनिया काउजेज निमोनिया. द अर्ली स्टेज ह्यूमन इम्ब्रियो डिस्टिंक्टली पजेजेज, आंसर होगा बी गिल स्लिट्स. पजेजन ऑफ फ्रेंजल गिल स्लिट्स एंड गिल पाउचेज इज वन ऑफ थ्री डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट, सो दीज स्ट्रक्चर्स डू अपियर इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स.
रिस्पिरेशन इज आंसर बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक एक्जोथर्मिक एंड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। सेल रेस्पिरेशन इज एन एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इन अ लिविंग सेल यूजिंग मॉलिकुलर ओ टू प्रोड्यूसिंग सीओ टू एंड एच टू एंड रिलीजिंग एनर्जी इन स्मॉल स्टेप्स। ओके नेक्स्ट स्टेटमेंट वन यहाँ पे कर रहा है लाइजोजोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे कर रहा है दीज आर गोल्जियन वैक्यूल्स। तो आंसर हमारा बी होगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके लाइजोजोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। दे आर इंपॉर्टेंट इन प्रोसेसिंग द कंटेंट्स ऑफ वेसिकल्स टेकन इन फॉर्म आउटसाइड द सेल। इट इज क्रूशियल टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द लाइजोजोमल मेम्ब्रेन बिकॉज द एंजाइम्स दे कंटेन कैन डाइजेस्ट सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ एज वेल। गोल्जियन वेसिकल्स आर एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द सिस्टर्नी व्हिच हैव बिकम मॉडिफाइड टू फॉर्म वैक्यूल्स। द वैक्यूल्स डेवलप फ्रॉम द कनकेव और मैच्योरिंग फेस। गोल्जियन वैक्यूल्स कंटेन एमोरफस और ग्रेनुलर सब्सटेंस। सम ऑफ द गोल्जियन वैक्यूल्स फंक्शन एज लाइजोजोम। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्टवुड। आंसर होगा सी, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इफिशियंटली। हमारा गलत है, बाकी ए बी डी सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपोजिटेड इन इट। इट इज हाईली ड्यूरेबल और इट कंप्राइजेज डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स। वाटर और मिनरल्स नहीं करता है कंडक्ट। व्हिच इज अ सिम्पटम ऑफ एक्सोथैल्मिक गोइटर। आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी, यानी रैपिड हार्ट बीट और प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल। एक्सोथैल्मिक गोइटर ग्रेव्स डिजीज इज थायरॉइड्स इन्वायरमेंट इन विच द थायरॉइड सीक्रेट्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायरॉइड हॉर्मोन्स। इट इज कैरेक्टराइज बाई प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स बिकॉज ऑफ फ्लूड एक्युमुलेशन बिहाइंड देम। लॉस ऑफ वेट रैपिड हार्ट बीट नर्वसनेस रेस्टलेसनेस इटीसी। साइफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस सीन। आंसर होगा डी, पाइनस। साइफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइजेशन इन विच अ पॉलन लॉन्ग पॉलन ट्यूब कैरी इन टू टू मेल स्पर्म्स नियर टू एग सेल्स इज कॉल्ड साइफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन। दिस इज ओनली फाउंड इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सी फॉर प्लांट्स आर मोस्ट इफिशियंट प्लांट्स ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड आंसर बी हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड थिक वॉल्स ऑफ बंडल्स विथ सेल्स। सी फॉर प्लांट्स शो क्रैंच एनाटॉमी। सीओ टू फिक्सेशन इन सी फॉर प्लांट्स अकर ट्वाइस। फर्स्ट इन मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पीईपी कार्बोक्सिलेज एंड सेकेंड इन बंडल्स विथ क्लोरोप्लास्ट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रूबिस्को बिकॉज रूबिस्को फंक्शन इन सी फॉर प्लांट्स एज कार्बोक्सिलेज फोटोरेस्पिरेशन इज अवॉइडेड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। आंसर होगा ए, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। आर्कियोप्टेरिक्स अ ट्रांजिशनल फॉसिल बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ फॉलोइंग पीरियड। आंसर हमारा ये होगा, जुरासिक पीरियड। व्हाट इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ एक्शन ऑफ टी सेल्स। आंसर डी, एम एच सी एंटीजेन कॉम्प्लेक्स। द टी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। टी सेल्स लार्जली रिकॉग्नाइज प्रोटीन्स दैट हैव बीन पजेस्ड विद इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड प्रेजेंटेड ऑन द सेल सर्फेस इन द फॉर्म दैट इज बाउंड टू अ मॉलिक्यूल नोन एज मेजर हिस्टोकंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एम एच सी। द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू केमिकल्स इन दियर सराउंडिंग बाई। आंसर होगा डी, पोरिंस। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया प्रोसेस बैरल्स शेप्ड मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स कॉल्ड पोरिंस। दीज पोरिंस आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन दैट आर वाटर सोलबल इन एंड आउट ऑफ द सेल। दे रिस्पॉन्ड टू द सराउंडिंग्स बाई सर्विंग एज अ रिसेप्टर साइट्स फॉर बैक्टेरियोफेजेज। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग ग्राम निगेटिव बैक्टेरियम विच इज पिलियोमॉर्फिक इन नेचर इज। आंसर होगा बी, राइजोबियम। राइजोबियम इन द सॉइल बैक्टेरियम विच इज ग्राम निगेटिव इन नेचर
एंड सोज प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर. दिस इज अ राइजोस्फेयर बैक्टीरियम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स बाई गेटिंग एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स. ट्यूबेक्टोमी इज द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच आंसर ए अ स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप. एफरेंट नर्व फाइबर्स कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम आंसर बी रिसेप्टर्स टू सी एन एस. एमॉन्ग द फाइव क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स इन ह्यूमन्स द वन दैट इज सेक्रेटरी इन नेचर आंसर हमारा डी होगा बोथ ए एंड सी यानी कि आई जी ए और आई जी एम जो है दोनों हमारे सेक्रेटरी इन नेचर. इसका जो ट्रिक भी होता है पी सील और गेम्ड जी एम ई डी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं आपको मिल जाएंगे. Among the classes of immunoglobulins in human, IgA and IgM are secretory in nature. This secretory IgA involved in mucosal defense mechanism. Compared to IgM, IgA is the most potent secretory on antibody. Which of the following statement is false? Answer: Our bio communities exist within population, which exist within ecosystem. So, this is wrong. Population exists in community. Okay, and कम्युनिटीज एग्जिस्ट इन इको सिस्टम. बाकी ए सी डी सही है. टिश्यू एग्जिस्ट विद इन ऑर्गेन्स विच एग्जिस्ट विद इन ऑर्गेन सिस्टम. ऑर्गेनिलीज एग्जिस्ट विद इन द सेल्स विच एग्जिस्ट विद इन टिश्यू. और कम्युनिटीज एग्जिस्ट विद इन द इको सिस्टम विच एग्जिस्ट इन द बायोस्फेयर. ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज लिविंग विद इन अ स्पेसिफिक एरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड पॉपुलेशन. डिफरेंट पॉपुलेशन मे लाइव इन द सेम मे लिव इन द सेम स्पीसीज स्पेसिफिक एरिया. अ कम्युनिटी इज द सेट ऑफ पॉपुलेशन इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया एंड इको सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर एरिया टूगेदर विद द एबायोटिक और नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट. एट द हाइस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द बायोस्फेयर इज द कलेक्शन ऑफ इको ऑफ ऑल इको सिस्टम एंड इट रिप्रेजेंट्स द जोन्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. इट इंक्लूड्स लैंड वाटर एंड portions of the atmosphere. Next, the study of energy transfer and relationship between all living organism is known. Answer A. Thermodynamics. The genotypes of plant variety where capital T small t capital H small l ये सब जो है यहाँ पे small t small h where t tallness h hairy stem है. Which one of the following crosses would produce progeny giving a phenotypic ratio approximately 1:1:1:1. तो यहाँ पे टेस्ट क्रॉस के बारे में बता रहे हैं. यहाँ पे टेस्ट क्रॉस जो होता है हमारा इसका रेशियो 1:1:1 होते हैं. और हमारा डी आंसर होगा जो हेट्रोजाइगस को हम अगर होमोजाइगस रिसेसिव से करते हैं तो हमारा ये आता है आंसर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट आंसर सी कैल्शियम जो है फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल. ओके. ऑल एंजाइम्स ऑफ टीसीएस साइकल्स आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट वन व्हिच इज लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स इन यूकैरियोट्स एंड इन द साइटोसोल इन प्रोकैरियोट्स. दिस एंजाइम इज आंसर होगा सी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. All which of the following statements is wrong in the case of Bhopal gas tragedy? Answer होगा C. Radioactive fallout engulfed Bhopal. हमारा गलत है. बाकी A, B, D सही हैं. Methyl isocyanate to gas leakage took place. Thousands of human beings died. Or it took place in the night December 2/3, 1984. The Bhopal gas tragedy occurred on the night of December 2/3. 1984 at the Union Carbide India Limited pesticide plant in Bhopal, MP. A leak of methyl isocyanate gas and other chemicals from the plant resulted in exposure of hundreds of thousands of people. The two polypeptides of human insulin are linked other by. Answer D होगा यहाँ पे disulfide bridge या disulfide linkage. Which of the following excretory organs is found in crustaceans? Answer C. Green glands. What is the number of extinct animals documented by the IUCN Red List as per 2004 in the last 500 years? Answer हमारा D होगा.
784. Which of the following is a secondary metabolite as well as drug? Answer B, vinblastine. The production of secondary metabolites by plant cells and tissue has become an active field of study because of its potential as a source of valuable pharmaceutical compounds. Alkaloids such as anti-cancer drugs, vinblastine and vincristine are examples of such compounds which are secondary metabolites as well as drug. सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. तो यहाँ पे जो रॉन्ग है, यहाँ पे डी है, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फेयर एंड रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड. ये हमारा गलत है, बाकी ए बी सी सही है. राइबोजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड्स विथ कैटालिटिक पावर. न्यूक्लिक एसिड्स सर्व एज जेनेटिक मटेरियल. प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स आर द ओनली थ्री टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स फाउंड इन द लिविंग सिस्टम. यहाँ पे कह रहा है कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड एंड रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ बायोस्फेयर. कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी. ओके, नेक्स्ट. फाइंड द मिसमैच फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स. आंसर हमारा ए है, ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थंब जो है ग्लाइडिंग ज्वाइंट नहीं होता है, बाकी बी सी डी सही है. ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल बॉल एंड सॉकेट हिंज है. ज्वाइंट बिटवीन एल्बोज और ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस पाइवोट ज्वाइंट होते हैं. सैडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑफ थंब होते हैं, सैडल ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट नहीं होते हैं. और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइंट्स के ट्रिक भी मिल जाएंगे, आप वहां से ज्वाइंट्स का ट्रिक याद रख सकते हैं बहुत इजीली से. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लिएज ई कोर आर फर्स्ट एंजाइम कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. आंसर हमारा ए होगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लिएज एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. दीज सीक्वेंसेस हैव सेम बेसिस टू डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम 5' टू 3'. इन ड्यू टू सम इंजरी द कॉर्डी टेंडनी टेंडनी ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज पार्शियली नॉन फंक्शनल. व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट. आंसर हमारा डी होगा, द फ्लो ऑफ ब्लड इन टू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड. द कॉर्डी टेंडनी ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व बिकम पार्शियली नॉन फंक्शनल ड्यू टू इंजरी, देन फ्लो ऑफ ब्लड इन टू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर मेथड आर रीयूजेबल. आंसर सी, सर्वाइकल कैप्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट. आंसर डी, टोबैको मोजैक वायरस. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टेरियोफेज एंड हैव डीएनए एज अ पार्ट ऑफ देम. मीन व्हाइल टीएमवी एंड प्लांट वायरसेज हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. इन सकुलेंट प्लांट्स द स्टोमाटा ओपन इन द नाइट एंड क्लोज इन द डे. विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटल एक्शन इन द नाइट ओनली. तो आंसर हमारा बी होगा, इंक्रीजेज इन सीओ टू कंसेंट्रेशन कन्वर्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स इन टू स्टार्च रिजल्टिंग इन द इंक्रीज कन्वर्जन इन टू शुगर्स रिजल्टिंग इन के प्लस ट्रांसपोर्ट. ओके, इन कैम प्लांट्स स्टोमाटा ओपन एट नाइट. इन दीज प्लांट्स नाइट एसिडिफिकेशन अकर्स, दैट इज मैलिक एसिड इज सिंथेसाइज ड्यूरिंग नाइट ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. आंसर ए सी, प्रोटीनेशियस एलुरॉन लेयर इज प्रेजेंट इन द मेज ग्रेन. इन अ हायरार्किकल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक रैंक्स जनरली इन सीन सी ई ए. आंसर होगा ए, फैमिली, जैसे मालवेशी फैमिली, फैबेसी. ओके, एनाकार्डियेशी. फैमिली इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिटवीन द डिवीजन एंड ऑर्डर. इट इंक्लूड्स वन ऑफ द मोर जेनरा. इट्स सफिक्स इज एस सी. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रेसेप्टिव. ए इज योर फ्रेंडली, फिर उसके बाद बी होगा रिवर्सिबल विथ नो साइड इफेक्ट, और फिर उसके बाद ई होगा यानी इजिली अवेलेबल, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए और सेक्सुअल ड्राइव में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. ओके, आगे देखते हैं. विच फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रॉन्ग वन. तो आंसर हमारा डी होगा, प्रॉन हैज टू पेयर्स ऑफ एंटीना. ये हमारा गलत है, बाकी ए बी सी सही है. निमाइटोसिस्ट्स आर
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम कोनाइडेरिया, मिलीपीड्स हैव टू पेयर्स ऑफ अपेंडेज इन ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी. ओके, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम पोरीफेरा आर मेराइन एंड फ्रेश वाटर. यहाँ पे कह रहा है प्रॉन हैज वन पेयर ऑफ एंटीना ऑन वन ऑन आइदर साइड जस्ट बिलो द एंटीनल्स. टू पेयर्स नहीं होंगे. मेंडल डिड नॉट रिकॉग्नाइज द लिंकेज फेनोमेनन इज इन एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज डी होगा द स्टडीड कैरेक्टर वेयर आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ लीची. आंसर डी एरिल, जिसे फ्लेसी एरिल भी बोलते हैं. इन ह्यूमन बींग्स द हॉलो बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड ए एंड बी डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन बरोज इन टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस इवेंट कॉल्ड इम्प्लांटेशन. ब्लैंक्स ए एंड बी क्या होगा रिस्पेक्टिवली. आंसर सी होगा ब्लास्टोसिस्ट और 7 डेज. यानी इन ह्यूमन बींग्स द हॉलो बॉल्स ऑफ सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट अबाउट 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन बरोज इन टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस इवेंट कॉल्ड इम्प्लांटेशन. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट इट इंटर्स द यूट्रस इन 3 to 5 डेज इन एंड द यूट्रस इन द यूट्रस द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड बिकमिंग अ हॉलो बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड अ ब्लास्टोसिस्ट. द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट्स इन द वॉल ऑफ द यूट्रस इट वॉज अबाउट 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो आगे आता है क्वेश्चन 53 पे. यहाँ पे कह रहा है प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स. इट इज सब डिवाइडेड इंटू 5 फेजेज लेप्टोटीन जैगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट फेजेज. तो यहाँ पे ए कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज सीन ड्यूरिंग जैगोटीन स्टेज. बिल्कुल सही है. बी यहाँ पे कह रहा है द स्टेज ऑफ पैकेटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाई अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. ये भी सही है. यहाँ पे सी कह रहा है डिप्लोटीन स्टेज इज मार्क्ड बाई टर्मिनेशन ऑफ काइनेटोमा. ये हमारा गलत है. डायगेनेसिस में होते हैं टर्मिनेशन ऑफ काइनेटोमा. और डी यहाँ पे कह रहा है द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट द लेप्टोटीन. ये भी सही है. द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट इज डायगेनेसिस. दिस इज मार्क्ड बाई टर्मिनेशन ऑफ काइनेटोमा. ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोजोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोजोम्स फॉर सेपरेशन. प्रोफेज और सॉरी यहाँ पे 54 कह रहा है इन द किंगडम क्लासिफिकेशन विच किंगडम ऑक्यूपाइज एन इनहेरिट सॉरी ऑक्यूपाइज एन इंटरमीडिएट पोजिशन फ्रॉम अ फाइलोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू. आंसर हमारा बी होगा प्रोटिस्टा. इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा ऑक्यूपाइज इंटरमीडिएट पोजिशन फ्रॉम फाइलोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स लाइक प्लांट्स फंजाई एंड एनिमल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा. द फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग द कैरिंग ऑफ मेल गैमिट्स बाय द पॉलन ट्यूब इज कॉल्ड. आंसर हमारा बी होगा सिफोनोगैमी. इन एंजियोस्पर्म द मेल गैमिट्स आर कैरिड बाय द पॉलन ट्यूब वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन 1984. द प्रोसेस कॉल्ड साइफोनोगैमी. द फर्टिलाइजेशन इन सॉरी यहाँ पे टेस्ट क्रॉस इज वेन. तो टेस्ट क्रॉस के बारे में पीछे भी आ चुका है. वेन F1 क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट, उसी को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस ऑफ F1 विथ इट्स रिसेसिव पेरेंट. इट इज यूज टू ऑब्जर्व दैट F1 इज होमोजाइगस और हेटरोजाइगस. इट गिव्स 1:1 रेशियो इन मोनो हाइब्रिड एंड 1:1:1:1 रेशियो इन ड्राई हाइब्रिड क्रॉस. वर्टिब्रा फॉर्मूला फॉर ह्यूमन बींग्स इज. आंसर हमारा बी होगा C7T12L5S5 और C3 to 5 होगा. यानी कि 33 to 35 वर्टिब्रा हो सकते हैं बट ह्यूमन्स में. सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन नंबर, थोरैसिक 12 इन नंबर, लंबर 5 इन नंबर एंड सैक्रल 5 इन नंबर. इन चाइल्डहुड दे फ्यूज इन एडल्ट्स टू फॉर्म अ सिंगल बोन. द सैक्रम कोक्सीजियल वेरी फ्रॉम 3 to 5 इन नंबर. वेन सेकेंडरी ग्रोथ इन थिकनेस इज इनिशिएटेड इन अ डाइकोट रूट विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस फर्स्ट. आंसर हमारा बी होगा पैरेन्काइमा बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम बिकम्स मेरिस्टेमेटिक. ओके, वेन सेकेंडरी ग्रोथ इज इन थिकनेस इज इनिशिएटेड इन डाइकोट रूट पैरेन्काइमा जाइलम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम बिकम्स मेरिस्टेमेटिक. विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन
इन एडल्ट्स? आंसर होगा सी, मिक्जोडीमा। मिक्जोडीमा, यहाँ पे इडीमा आ रहा है, ओके, यानी स्वेलिंग होता है। मिक्जोडीमा अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट्स। द पेक्यूलियर फीचर ऑफ मिक्सोडीमा इज द फेस एंड हैंड बिकम स्वेलन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एल्बुमिनस मिक्जोमेटस टिश्यू। गिवन बिलो आर फोर स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ईच ऑफ द टू ब्लैंक्स। सेलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्टली फिल्स अप द ब्लैंक्स इन टू टू स्टेटमेंट्स। तो आंसर हमारा यहाँ पे जो है, फर्स्ट यहाँ पे 1100 और 1200 और 1/5 का रहा है, तो आंसर सी ही होगा, यानी कि ऑन एन एवरेज 1100 टू 1200 एम एल ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाई द किडनी पर मिनट, विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाई ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग चेक पॉइंट इज प्रीडोमिनेटली एक्टिवेटेड व्हेन द डीएनए हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग रेप्लिकेशन फॉर्क। आंसर हमारा ए होगा, G1 और S जो है वो चेक पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है चेक पॉइंट्स के बारे में बहुत सारा पूछ चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। यहाँ पे कह रहा है देर आर थ्री नोन चेक पॉइंट्स, ओके, G1 चेक पॉइंट ऑल्सो नोन एज द रिस्ट्रिक्शन और स्टार्ट चेक पॉइंट्स और मेजर चेक पॉइंट, द G2M चेक पॉइंट्स एंड द मेटाफेज चेक पॉइंट्स ऑल्सो नोन एज द स्पिंडल चेक पॉइंट। द प्राइमरी G1S सेल साइकिल चेक पॉइंट कंट्रोल्स द कमिटमेंट ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स टू ट्रांजिशन थ्रू द G1 फेज टू इंटर इन टू द DNA सिंथेसिस इन S फेज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी? तो आंसर हमारा बी होगा, होमो हैबिलिस। द फर्स्ट ह्यूमन लाइक ह्यूमन बींग द होमिनिड वाज कॉल्ड होमो हैबिलिस। द ब्रेन कैपेसिटी वेयर 650 टू 800, द प्रोबेबली डिड नॉट इट मीट फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 रिवील्ड द नेक्स्ट स्टेज दैट इज होमो इरेक्टस। अबाउट 1.5 माया होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन अराउंड 900 cc। होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट द नेंडरटल मैन विद द ब्रेन साइज 1400 cc लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1,00,000 to 40,000 ईयर्स बैक। और यहाँ पे जो क्रेन कैपेसिटी के बारे में कह रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रिक भी बताए थे पिछले मॉक टेस्ट में जब आया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ था तब। यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे जो है होमो हैबिलिस, तो H4 हेक्सा और H यहाँ पे यानी कि 650 टू 800 आ रहे हैं यहाँ पे। फिर इरेक्टस में हमने बताया था कि इरेक्टस ई जो है यहाँ पे ई को अगर रिवर्स करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 900 cc हो जाएगा। उसके बाद निरर्थर का भी बताया था मैंने कि 1400 cc यानी कि N4 निरर्थर और N4 नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का जो एटम का मास होता है 14 होता है, तो 1400 cc ऐसे करके आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। ओके, अ मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गा एग्जिबिट्स अ टाइप ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन विच द मियोटिक डिवीजन अकर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट द एडल्ट फिलामेंट ऑफ द दिस एल्गा हैज। आंसर होगा डी, हैप्लोइड वेजिटेटिव सेल्स एंड हैप्लोइड गैमेटेंजिया। एडल्ट फिलामेंट ऑफ अ मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गा हैव हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल इन विच द मियोटिक डिवीजन अकर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सो द फिलामेंट ऑफ दिस एल्गा हैव हैप्लोइड वेजिटेटिव सेल्स एंड हैप्लोइड गैमेटेंजिया। हाउ मेनी मेगास्पोर्स टेक्स पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट? आंसर ए, वन। वन मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स टू मेगास्पोर्स, थ्री आउट ऑफ फोर मेगास्पोर्स डिजनरेट एंड ओनली वन मेगास्पोर टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। लेंस ऑफ आईज इज डिराइव फ्रॉम? आंसर ए, एक्टोडर्म। आई लेंस इज डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म। द लेंस इज कम्पोज ऑफ ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सीबल टिश्यू एंड इज लोकेटेड डायरेक्टली बिहाइंड द आयरिस एंड द पिपिल। इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द आई आफ्टर द सिलियरी मसल्स विच आर पार्ट ऑफ द सिलियरी बॉडी। द लेंस इज डिराइव फ्रॉम द सर्फेस एक्टोडर्म। एंट एमोबा डिफर्स फ्रॉम द एमेबा इज नॉट हैविंग? आंसर डी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। एबसेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन एंटोमाहिस्टोलाइटिका इज अ डिस्टिंग्विश्ड फीचर फ्रॉम अमीबा। द न्यूक्लियजेज क्लीविंग न्यूक्लियोटाइड्स वन एट अ टाइम फ्रॉम द एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर। आंसर होगा सी, स्पेसिफिक फॉर बोथ 5' एंड एंड 3' एंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स।
इन प्रोकैरियोट्स विच राइबोजाइम हेल्प्स इन द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन? आंसर डी 23 sRNA। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एंथर वॉल हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एज वेल एज इन द डिहेशन ऑफ एंथर फॉर द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स? आंसर डी आउटर थ्री लेयर्स ऑफ एंथर वॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आंसर ए द एच प्लस रिलीज फ्रॉम द कार्बोनिक एसिड कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म हीमोग्लोबिनिक एसिड। हीमोग्लोबिनिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड फॉर्मड इन साइड द रेड ब्लड सेल्स व्हेन हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन। बीन सीड्स वेयर प्लांटेड एंड पुट ऑन सनी वाइंड विंडो सील। एज द प्लांट ग्रीव दियर स्टेम्स बेंड टूवर्ड्स द विंडो। दिस बेंडिंग वॉज मोस्ट लाइकली कॉज बाई एन अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन द स्टेम। आंसर ए। विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स? यहाँ पे जो आंसर है बी होगा हेलेन कार्टिलेज। हेलेन कार्टिलेज इज द एंड ऑफ लॉन्ग आर्टिकुलर बोन्स। इट प्रोवाइड्स अ स्मूथ आर्टिकुलर सर्फेस टू परमिट मूवमेंट एट जॉइंट्स। इलास्टिक कार्टिलेज इज फाउंड वेयर सपोर्ट विथ फ्लेक्सिबिलिटी इज नीडेड सच एज इन एक्सटर्नल ईयर्स। फाइब्रो कार्टिलेज इज वेरी टफ सब्सटेंस एंड इज यूज इन प्लेस ऑफ बोनी वेयर शॉक एब्जॉर्बर आर नीडेड। एग्जाम्पल्स डिस्क बिटवीन वर्टिब्रा एंड इन द नी जॉइंट्स। द प्रिंसिपल एजेंट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड ब्रेड मेकिंग इज? आंसर बी सैक्रोमाइसिस रेवेशी यानी ईस्ट। सिंपल इपिथेलियम इज अ टिश्यू इन विच द सेल्स आर? आंसर बी सीमेंटेड डायरेक्टली टू वन अनदर टू फॉर्म अ सिंगल लेयर। इन पी प्लांट्स येलो सीड्स आर डोमिनेंट इन टू ग्रीन। इफ हेट्रोजाइगस येलो सीडेड प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ ग्रीन सीडेड प्लांट व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट्स वुड यू एक्सपेक्ट इन द F1 जनरेशन? आंसर होगा डी 50:50। स्टोमाटा ओपन एंड क्लोज ड्यू टू? ओके आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि टर्गर प्रेशर चेंज हार्मोनल चेंज और टेम्परेचर चेंज। सेक्रेटिन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ? आंसर डी पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन सेक्रेटिन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल्स ऑफ द ड्यूओडेनम अपॉन डिटेक्शन ऑफ एसिड फूड प्रोटीन्स एंड फैट्स। अ मैन विद अ सर्टेन डिजीज मैरिज अ नॉर्मल वोमेन। दे हैव 8 children, 3 daughters एंड 5 sons। ऑल द डॉटर्स सफर फ्रॉम दियर फादर्स डिजीज बट नन ऑफ द सन्स इज अफेक्टेड। व्हाट विल बी द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ दिस डिजीज? आंसर होगा बी सेक्स लिंकेड डोमिनेंट। द डॉटर्स रिसीव्स 1 X क्रोमोजोम फ्रॉम द फादर एंड 1 X क्रोमोजोम फ्रॉम द मदर। सिंस ऑल द डॉटर्स सफर फ्रॉम दियर फादर्स डिजीज द एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम द फादर मस्ट बी कैरिंग अ डोमिनेंट ट्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए चेन? आंसर होगा डी पॉलीमरेज फर्स्ट। इंटरकोस्टल मसल्स आर अटैच टू? आंसर होगा सी रिब्स। इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल आर अटैच टू रिब्स विच हेल्प इन द मोवमेंट ऑफ रिब केज ड्यूरिंग ब्रीदिंग। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद ऑल ट्रू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ड्यूरिंग पास्टुरेशन ऑक्सीटोसिन इंड्यूसेस इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन इन द यूटरस। सेकेंड आफ्टर पास्टुरेशन ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स मिल्क इजेक्शन। द लेबर पेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। फोर यहाँ पे कह रहा है ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम प्लासेंटा एंड ओवरी। ये हमारा गलत है, बाकी 1 और 2 और 3 सही हैं। ओके यहाँ पे कह रहा है ए बी सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट डी इज रॉन्ग बिकॉज ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस एंड इज सेक्रेटेड इन टू द ब्लड स्ट्रीम बाय द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अ बैक्टेरियल सेल वॉज ट्रांसफॉर्म्ड विद अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट वॉज जनरेटेड यूजिंग अ ह्यूमन जीन। हाउ एवर द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स डिड नॉट प्रोड्यूस द
डिजायर्ड प्रोटीन, द रीजन फॉर दिस कुड बी, आंसर हमारा ये होगा, ह्यूमन जीन माइट हैव इंट्रोन विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस। सिंथेसिस ऑफ एम आर एन ए इज, आंसर ए ट्रांसक्रिप्शन। द एनिमल ग्रुप वेयर द एडल्ट्स आर डीजनरेटेड बट लार्वा आर वेल डेवलप्ड इज, आंसर बी ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेट्स सो रेट्रोग्रेसिव मेटामोरफोसिस विच रिजल्ट्स इन द डिजनरेशन इन द एडल्ट। प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एक्सेप्ट इन द टर्म्स ऑफ, आंसर होगा सी सेकेंड एंड फोर, यानी कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर से कर सकते हैं, इकोसिस्टम में दिया हुआ है। हाउ डज कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनस गैस इमिटेड बाई ऑटोमोबाइल्स प्रिवेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन टू द बॉडी टिश्यू, आंसर होगा बी, यानी कि बाई फॉर्मिंग स्टेबल कंपाउंड विथ हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोक्साइड वेन इनहेल्ड कंबाइंस विद ब्लड हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एट रेट ऑफ 210 टाइम्स फास्टर देन द रेट एट विच ऑक्सीजन फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दस रिस्पायरेशन इज इम्पेयर्ड। डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन, आंसर सी लीवरवॉर्ट्स। डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लीवरवॉर्ट्स, एग्जाम्पल रिक्सिया, मार्केशिया, पेलिया, ईटीसी। इट इज अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्क्ड ब्रांचिंग इन लीवरवॉर्ट्स। द थैलस इज फ्लैट एंड डॉर्सी वेंट्रल एंड डाइकोटोमसली ब्रांच। द थैलस हैज अ नोच एट द एंटेरियर एंड एट द बेस ऑफ नोच देर इज अ ग्रोइंग पॉइंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एपिकल सेल, इट डिवाइड्स रिपीडली टू फॉर्म टू ब्रांचेज ऑफ द सेम साइज। आफ्टर वैक्सीनेशन द बॉडी बिल्ड्स अप एंटीबॉडीज। स्टेटमेंट वन, 2A+ एक्सोजेनोटाइप रिप्रेजेंट्स टर्नर सिंड्रोम इन वोमेन। स्टेटमेंट टू, 2A+ एक्सोजेनोटाइप इज नॉर्मल मेल इन ग्रास होपर, दोनों सही है। स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, आंसर डी आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन, ये सब जो है वो कन्वर्जेंट है यानी एनालॉगस ऑर्गेंस। ओके, तो ये सारे थे हमारे बायो क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना। आते हैं अब केमिस्ट्री पे। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन टोटल आर एसोसिएटेड विद फोर्थ एनर्जी लेवल, आंसर हमारा सी 16। ओके, एन स्क्वायर से कर सकते हैं, यहाँ पे 16 आएंगे। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स रेस्पेक्टिवली आर प्रेजेंट इन 2.8 लीटर्स ऑफ डायटोमिक गैस एट HTP, आंसर सी 7.5 × 10²² 15 × 10²² नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट HTP इक्वल टू वी बाई 24 22.4 × Na से निकालने, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। ओके, द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, आंसर बी इट हैज ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर इन विच लेसर मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड पर ml देन वाटर। द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर ड्यू टू एन ओपन केज स्ट्रक्चर फॉर्म बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, आंसर हमारा डी होगा, द कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 नहीं होते हैं 12 होते हैं, द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 एंड नॉट 6, हेंस स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट। रेस्ट जो है करेक्ट है, यानी कि इन HCP एटम्स ऑक्युपाई 74% द अवेलेबल स्पेस। इट इज ABAB टाइप पैकिंग इन विच थर्ड लेयर इज अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर और बेरिलियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ETC आर फाउंड टू हैव HCP स्ट्रक्चर। इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ HF, HCOOH एंड HCN एट 298 केल्विन हैव द वैक्यूल्स हैव द वैल्यूज ऑफ के एज 6.8 × 10²⁴, 1.8 × 10²⁴ एंड 4.8 × 10²⁹ रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दियर एसिडिक कंस्ट्रेंट, जिसका जितना ज़्यादा के होगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। ओके, तो यहाँ पे HF का जो वैल्यू यहाँ पे है 6.8 है, और तो सबसे ज़्यादा HF का होगा, देन होगा हमारा फॉर्मिक एसिड, देन हाइड्रोजन साइनाइड।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आंसर हमारा सी होगा, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। गलत है, इसका जो है रिवर्स सही होगा, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर का ज्यादा होता है एनर्जी। और ए बी डी सही है, यानी कि द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। एनाटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक वाइल मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। और मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओबे ऑफ वाव प्रिंसिपल फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, द बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी देन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। सो स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट हुई हियर। अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम द रिएक्शन ऑन बोथ डायरेक्शंस अकर एट द सेम रेट एंड द मास ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्विलिब्रियम डज नॉट अंडरगो एनी चेंज। दिस कंडीशन कैन बी अचीव ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज जीरो। यानी कि एट इक्विलिब्रियम ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट और अनचेंज, सो दैट इज डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। हाउ डज वी सेपरेट टू सल्फाइड ओर्स बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। आंसर हमारा बी होगा, बाय एडजस्टिंग प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर और यूजिंग डिपरेशेंट। ओके, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री BICS यानी कि BICS केमिस्ट्री का इंडिया का मैंने लिंक दिया है वहाँ पे, तो सर ने बहुत अच्छे से बताया, तो वीडियो जरूर देखना आप, इसका जो एक्सप्लेनेटरी वीडियो है। तो ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशन अ बाई मोलिकुलर रिएक्शन में काइनेटिकली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो आंसर हमारा बी होगा, व्हेन वन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इज इन लार्ज एक्सेस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एन हेप्टेन इज पास्ड ओवर एल टू ओ थ्री सी आर टू ओ थ्री। आंसर हमारा बी होगा, टोल्यून यहाँ पे बनेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डायमंड एंड ग्रेफाइट। ऐसा हमारा डी होगा, डायमंड इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर द टू लेयर्स ज्वाइंड बाई वैंडरवाल्स फोर्सेज। ये हमारा गलत होगा, वैंडरवाल्स फोर्स ज्वाइन नहीं होते हैं। बाकी ए बी सी सही है, इन डायमंड इच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम्स। इन ग्रेफाइट इच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन। और सी यहाँ पे करता है, सी सी बॉन्ड लेंथ इन ग्रेफाइट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। डायमेंशन थ्री डायमेंशन रिजिड स्ट्रक्चर इन दिस इच कार्बन एटम शेयर्स दिस इलेक्ट्रॉन विथ फोर अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स। हेंस स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट। लैक्टिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड आर द मोनोमर्स यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर। आंसर बी डेक्सट्रॉन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा है, लैक्टिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड आर द मोनोमर्स यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट्रॉन। टेक्स्ट्रॉन इज अ को पॉलीमर हैविंग ईस्टर लिंकेज, जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में आपको मिल जाएंगे पॉलीमर चैप्टर में। द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंस इन मास। दे हैव ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज विथ अ डिफरेंस इन दियर रेट्स ऑफ रिएक्शन विच इज मेनली ड्यू टू। आंसर होगा ए, दियर डिफरेंट इनथैल्पी ऑफ बॉन्ड एसोसिएशन। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट बिहेवियर आइसोटोप्स रिएक्ट्स विद स्लोवर रिएक्शन रेट। फॉर एग्जाम्पल ड्यूटेरियम रिएक्शन स्लोवर देन हाइड्रोजन। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द गिवेन इज गिवेन बाई द इक्वेशन के इक्वल टू पी जेड ई ई टू द पावर माइनस ई बाई आर टी। विच फैक्टर शुड रजिस्टर डिक्रीज फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड मोर रैपिडली। आंसर होगा ई सी यानी ई, के इक्वल टू पी जेड ई माइनस सी बाई आर टी। हियर के इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट, पी इक्वल टू और रिटेंशन फैक्टर, जेड इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ई इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, आर इक्वल टू गैस कॉन्स्टेंट। फॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट ऑन डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर पी एंड जेड वैल्यूज के विल इंक्रीज। आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर बिटवीन एडजॉर्ब रिएक्टेंट्स इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ स्पेस फॉर द अदर रिएक्टेंट मॉलिकुल्स टू अप्रोच द सर्फेस एंड रिएक्ट। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज नोन एज डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन रिमूव्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सर्फेस टू क्रिएट अ स्पेस फॉर अदर रिएक्टेंट्स।
विच टाइप ऑफ क्रिस्टल्स कंटेन मोर देन वन ब्रेविस लैटिस? आंसर होगा डी, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स हैव टू ब्रेविस लैटिसेस, प्रिमिटिव एंड सेंट्रल टाइप। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द, आंसर होगा ए, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन दैट इज साइज स्क्वायर। साइज स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ साइज स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट्स विद इन द एटम्स इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रीजन्स अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स विल मोस्ट प्रोबेबली बी फाउंड। NaCl, MgCl2 एंड CSO4 आर नोन एज, आंसर हमारा ये होगा 1, 1, 2, 1 एंड 2, 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स रेस्पेक्टिवली। आयन से हम यहाँ पे देख लेंगे, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज ऑन द कैटायंस एंड एनायंस प्रोड्यूस ऑन डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर नोन एज 1, 1, 1, 2, 1 एंड 2, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स रेस्पेक्टिवली। फॉर्मेशन ऑफ PCl3 इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस एटम, आंसर होगा बी, SP3। फॉर्मेशन ऑफ CLF3 फ्रॉम Cl2 एंड F2 इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। द इक्विलिब्रियम सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Cl2 + 3F2 गिव्स 2 CLF3। डेल्टा एच जो है वो हमारा -329 किलो जूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ CLF3 इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, तो हमारा आंसर होगा डी, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन प्रेशर, एडिशन इन F2। यूजिंग ली चेजलेस प्रिंसिपल द फॉर्मेशन ऑफ CLF3 इज फेवर्ड बाय फर्स्ट डिक्रीज इन टेम्परेचर एज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंक्रीज इन प्रेशर एज वॉल्यूम इन डिक्री इज डिक्रीजिंग हियर, सेकेंड इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन। अ कंपाउंड कंटेन्स एटम्स एक्स वाई एंड जेड, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्स इज +2, वाई इज +5 एंड जेड इज -2। द पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, सारा वैल्यू पुट करके जिसमें 0 आएगा टोटल उसी को करेंगे। हेयर कंपाउंड इन ऑप्शन सी इज करेक्ट चॉइस हैज इट सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। हाउ मच मेटल विल बी डिपॉजिटेड व्हेन अ करेंट ऑफ 12 एम्पियर विथ 75% इफिशियंसी इज पास्ड थ्रू द सेल फॉर 3 आवर, आंसर होगा बी, 38.8 ग्राम। डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, 75% है तो 12 × 75/100 कर देंगे। सल्फर डाइऑक्साइड काउजेज, फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है रिस्पायरेटरी डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल सही है। सेकेंड कह रहा है रेड हेज इन द ट्रैफिक, बिल्कुल गलत है। इरिटेशन ऑफ द आईज, अच्छा एक मिनट, हाँ तो इरिटेशन इन आई होंगे यहाँ पे, द करेक्ट ऑप्शन होगा 1 एंड 3, यानी सल्फर डाइऑक्साइड अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ व्हेन इट इज ब्रीद इन, इट इरिटेट्स द नोज थ्रोट एंड एयर वेज टू काउज कफिंग व्हीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद और अ टाइट फीलिंग अराउंड द चेस्ट, दोज मोस्ट एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रॉब्लम्स इफ दे आर एक्सपोज टू सल्फर डाइऑक्साइड आर पीपल विथ अस्थमा और सिमिलर कंडीशंस। ओके, और यहाँ पे जो रेड हेज जो है वो हमारे ट्रैफिक में वो एनोट्यूब से होता है। द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बाय एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैगनेट इज शोन इन द गिवेन ग्राफ। ओके, द टाइप ऑफ कैटलिस्ट शोन बाय सच रिएक्शन क्या होगा, आंसर हमारा सी होगा, ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस टॉपिक जो है हमारा डी ब्लॉक में। इन दिज रिएक्शंस वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड Na4 एक्ट एज अ ऑटो कैटलिस्ट एंड दस एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लोरिनेशन ऑफ मिथेन डज नॉट अकर इन डार्क बिकॉज, आंसर हमारा बी होगा, टू गेट क्लोरीन फ्री रेडिकल्स फ्रॉम द Cl2 मॉलिकुल्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इट कैन नॉट हैपेंस इन डार्क। क्लोरिनेशन ऑफ मिथेन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टू गेट क्लोरीन फ्री रेडिकल एनर्जी रिक्वायर्ड व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू इनिशिएट द रिएक्शन। Cl2 HNu के प्रेजेंस में Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल बनेगा। प्रेजेंस ऑफ वाटर कैन बी डिटेक्टेड बाय, आंसर ए, एडिंग अ पिंच ऑफ एन हाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हिच चेंजेज इट्स कलर फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू में कन्वर्ट करता है। एन हाइड्रस CuSO4 इज व्हाइट व्हिच ऑन रिएक्शन विद H2O फॉर्म्स हाइड्रेटेड CuSO4 व्हिच इज ब्लू इन कलर CuSO4.5H2O। अल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल इन वाटर दाउ दे आर पोलर बिकॉज, आंसर होगा बी, दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर। ओके, अल्काइल
हैलाइड्स आर इनविजिबल इन वाटर बिकॉज दे कैनॉट फॉर्म हाइड्रोजन इन वाटर. बिल्कुल सही. क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्लस लैक्टोज. तो ऐसा 80 होगा, प्लस लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन. तो डज नॉट यहाँ पे नहीं होगा, एग्जिबिट करता है म्यूटा रोटेशन. ए यहाँ पे कह रहा है, ए बी डी यहाँ पे सही है, यानी कि ऑन हाइड्रोलाइसिस प्लस लैक्टोज गिव इक्वल अमाउंट ऑफ डी प्लस ग्लूकोज एंड डी प्लस गैलेक्टोज. प्लस लैक्टोज इज अ बीटा ग्लूकोसाइड फाउंड बाय द यूनियन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ डी प्लस ग्लूकोज एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ डी प्लस गैलेक्टोज. और डी यहाँ पे करा है प्लस लैक्टोज सी ट्वेल्व एच ट्वेल्व ओ एलेवन कंटेन्स 8 OH ग्रुप्स. ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा है, लैक्टोज मिल्क शुगर ये डाइसैकेराइड कंप्राइजिंग ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक टू गैलेक्टोज मॉलिक्यूल. ग्लाइकोसिडिक लैंग्वेज, लैक्टो से आज बीटा एसिटल लाइक सेलो सेलो बायोज एंड माल्टोज. लैक्टोसीज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, लैक्टोज शुगर होगा यहाँ पे. ओके, लैक्टोज ऑल रिड्यूसिंग शुगर अंडरगोज म्यूटेशन इन द एक्वस सॉल्यूशन. ईथर्स आर प्रिपेयर्ड बाई द रिएक्शन ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड एंड अल्काइल हेलाइड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग रीएजेंट्स शुड बी टेकन टू प्रिपेयर मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर. आंसर हमारा बी होगा, CH3Br और NaOCH3 होल ट्वाइस. टर्शरी हेलाइड कैन इन्वॉल्व एलिमिनेशन ऑफ HX टू गिव अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस. हेंस अ टर्शरी अल्कोक्साइड एंड प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स टेकन फॉर द रिएक्शन. ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक एमाइंस इज. ओके, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पे होगा, तो आंसर हम 80 होगा. इसमें दो दो हाइड्रोजन है, उसके बाद एक हाइड्रोजन है, उसके बाद एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारा सी आंसर होगा. प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइंस आर एंगेज इन इंटर मॉलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. दिस इंटर मॉलिकुलर एसोसिएशन इज मोर इन प्राइमरी एमाइंस देन इन सेकेंडरी एमाइंस एज देयर आर टू हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इन इट. टर्शरी एमाइंस डू नॉट हैव इंटर मॉलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन. देयर फॉर द ऑर्डर हमारा जो होगा बॉइलिंग पॉइंट का वो सी होगा. अमॉन्ग द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 9, 12, 16, 36 विच इज हाईली प्रो इलेक्ट्रो पॉजिटिव. तो हमारा 9 जो है हमारा वो है फ्लोरीन, 12 है हमारा ये मैग्नीशियम, 16 है सल्फर का, और 36 हमारा है इनर्ट गैस. ओके, 36 हमारा है ये क्रिप्टॉन का. ओके, तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं मेटल, तो हमारा आंसर हो जाएगा एटॉमिक नंबर विथ 12. ओके, अमॉन्ग द यहाँ पे सॉरी, इफ द एजम्पशन दैट देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज करेक्ट, व्हाट विल बी द कंसिक्वेंसेस. आंसर हमारा बी होगा, ऑल द गैसेज विल नेवर लिक्विफाई व्हेन कूल्ड एंड कंप्रेस्ड. इट मीन्स दैट द गैस विल नेवर कम क्लोजर अंडर एनी कंडीशंस, दस दे विल नेवर लिक्विफाई व्हेन कूल्ड एंड कंप्रेस्ड. द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन लाइगेंड्स इज. आंसर हमारा सी होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है CO देन Cl माइनस देन NH3 देन H2O F माइनस देन HCl. ये हमारा जो है इन जनरल द लिगेंड्स कैन बी अरेंज्ड इन सीरीज इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ एज दिस. और जो हमारे ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का NCERT से लिया गया है. व्हाट विल बी द वेव लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट. आंसर होगा ए 2.4 × 10⁻¹¹ बी इक्वल टू 3 h/m भी करेंगे यहाँ पे. ओके, बी इक्वल टू न्यू लेमडा से यहाँ पे लेमडा निकालेंगे, फिर लेमडा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स यूजेज. आंसर हमारा बी होगा, इथेनॉल फॉर डी नेचुरिंग स्प्रिट इन मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड. ये जो हमारा इनकरेक्ट है, बाकी ए सी हमारा सही है, यानी मिथेनॉल एज सॉल्वेंट फॉर पेंट्स करते हैं, और मिथेनॉल को ही फॉर डी नेचुरिंग स्प्रिट इन मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड करते हैं, और इथेनॉल जो है हमारा वो अल्कोहल बनाने में होता है, और इथर्स टू प्रोवाइड इनर्ट मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस एज एनेस्थेटिक. इथेनॉल इज यूज इन अल्कोहलिक बेवरेजेज. मिथेनॉल इज यूज फॉर डी नेचुरिंग इथाइल अल्कोहल एंड इन
मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, इथर्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड इनर्ट मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस एज एनेस्थेटिक। वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ 2,5-डाइमिथाइल हेक्सेन 3,1-R। आंसर हमारा सी होगा, 1, 2, 3, 4, यानी कि चारों जो है हमारा फॉर्म होगा प्रोडक्ट में। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आंसर हमारा डी होगा, टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिशन ऑन कैथोड। ये हमारा गलत है, अमाउंट को हम लोग फेराडोला से निकालते हैं। एज फेराडोला इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिशन ऑन कैथोड, सो इट एन बी इज नॉट ग्रेट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बाकी ए बी सी सही है, यानी टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ सब्सटेंस टू प्रेडिक्ट इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड और टू प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद बी एस एल टू सोल्यूशन। आंसर होगा बी, यानी सी ओ एस थ्री होल फाइव बी आर एस ओ फोर। व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। ओके, तो ये बेरियम सल्फेट फॉर्म करेगा, बी नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, क्योंकि यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन नंबर से कोऑर्डिनेशन स्पेस से बाहर है तो ये रिएक्ट करेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आंसर हमारा सी होगा, इन कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम +2 इज 4। ये हमारा गलत है, यहाँ पे ए बी और डी सही है। सिलिकॉन कार्बाइड इज ए कोवेलेंट क्रिस्टल, मॉलिकुलर क्रिस्टल्स आर सॉफ्ट इन नेचर और इंक्रीज इन रेडियस रेशियो रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर। एज कोऑर्डिनेशन नंबर सी ए टू प्लस इन सी एफ टू इज 8, 4 नहीं होगा, एंड दैट ऑफ एफ माइनस इज 4, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, मॉलिकुलर क्रिस्टल्स आर सॉफ्ट इन नेचर, कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेशियो। डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ सीस 3CO एसिटिक एसिड एंड 4OH इन एक्वस सोल्यूशन आर ऑलमोस्ट सेम, 10⁻¹। इफ पीएच ऑफ सी एस थ्री सोल्यूशन इज 3, व्हाट विल द पीएच ऑफ NS4OH। आंसर हमारा डी होगा, 11। यहाँ पे जो है के सी इंटू सी से निकालेंगे, OH माइनस जो है के बी इंटू सी से निकालते हैं। आइडेंटिफाई जेड इन द सीक्वेंस C6H5NH2, रिएक्शन करवा रहे हैं NaNO2 और HCl से, उसके बाद CuCl से, देन H+H2O से। तो आंसर हमारा सी होगा, यानी बेंजोइक एसिड। हियर द फाइनल प्रोडक्ट जेड इज बेंजोइक एसिड विच इज फॉर्म्ड एज फॉलोवर्स। यहाँ पे जो है एनिलीन को रिएक्शन करवा रहे हैं NaNO2 और HCl से, तो डायजोनियम क्लोराइड बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद CuCl से कर रहे हैं तो C6 से, यानी कि बेंजो साइनाइड बन रहा है। ओके, उसके बाद हमारा बेंजोइक एसिड बन रहा है H+CH2O से। एनी शोल ऑन रिएक्शन विथ क्लोरोमिथेन इन प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस AlCl3 गिव्स। आंसर हमारा सी होगा, ऑर्थोमिथाइल एनिसोल एंड पैरामिथाइल एनिसोल। ओके, एनिसोल ऑन रिएक्शन विथ क्लोरोमिथेन इन प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस AlCl3 गिव्स ऑर्थोमिथाइल एनिसोल एंड पैरा मिथाइल एनिसोल। ओके, यहाँ पे ऑर्थो बना, यहाँ पे पारा बन रहा है। 43, अ रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू टू पाथ वन एंड पाथ टू टू कन्वर्ट एक्स टू जेड। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Q1 एंड Q2। तो आंसर हमारा जो होगा हमारा वो बी होगा, Q इक्वल टू Q1+Q2। एज Q इज स्टेट फंक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ द रिएक्शन, सो Q इक्वल टू Q1+Q2। 1.6 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 2.6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन द कंपाउंड इज। आंसर हमारा ए होगा, 45.38%। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम फेस्ड व्हाइल यूजिंग एलिटेम एज आर्टिफिशियल स्वीटनर। आंसर हमारा सी होगा, इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द स्वीटनेस ऑफ फूड व्हाइल यूजिंग इट। एलिटेम इज हाई पोटेंसी स्वीटनर ऑल्दो इट इज मोर स्टेबल देन स्पार्टेम, द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज डिफिकल्ट व्हाइल यूजिंग इट। ओके, तो ये हमारे हो गए केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना। ओके, फॉर मोटिवेशन यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिजिक्स का। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एंथ क्वांटम स्टेट ऑफ बोस एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। आंसर हमारा बी होगा, -1, बस माइनस का फर्क होता है यहाँ पे, तो
इसलिए हमारा आंसर जो है -1 होगा। द डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन इज। आंसर हमारा सी होगा, 5.6 × 10⁻¹⁴ हर्ज्ड। टू पाज ऑफ मासेस 10 kg and 8 kg आर मूविंग अलोंग अ वर्टिकल रोप। द फॉर्मर क्लाइंबिंग अप विथ एक्सलेशन ऑफ 2 m/s² व्हाइल द लेटर कमिंग डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 m/s। देन टेंशन इन द रोप एट फिक्स्ड सपोर्ट क्या होगा। आंसर हमारा ये होगा, 200 N। ओके द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 mg, 2 mg and 3 mg आर 2 and 2 and 2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ पार्टिकल्स ऑफ मास 4 mg टू बी पोजिशन सो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फोर पार्टिकल्स सिस्टम इज एट द ओरिजिन ऑफ द 3 dimensional रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर। आंसर हमारा डी होगा, -3, -3 और -3। अ 5 kg कार टेक्स अ राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 m विथ अ वेलोसिटी ऑफ 36 km/h। द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा। आंसर हमारा सी होगा, 100,000 N, यानी कि हाँ एफ इक्वल टू mv² / r से निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ रोड टर्न ऑफ रेडियस 30 m इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.4। आंसर हमारा ये होगा, 10.84 m/s। म्यू वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी से यहाँ पे निकाल लेंगे। मोबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज। आंसर बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाउ। थ्री रेजिस्टेंसेज ऑफ 4 ओम ईच आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। इफ पॉइंट डी डिवाइड्स द रेजिस्टेंस इंटू 2 equal halves द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी विल बी। आंसर हमारा सी होगा, 3 ओम। अ ट्रांसफॉर्मर हैज 100 turns इन द प्राइमरी कॉइल एंड कैरिज 8 ampere करेंट। इफ द इनपुट पावर इज 1 kW द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल टू हैव 500 वोल्ट ऑफ आउटपुट विल बी। आंसर सी, 400। द इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड ऑफ मीन डायमीटर 1 cm 1 m लॉन्ग वाउंड विद 1000 turns ऑफ कॉपर वायर विल बी। आंसर हमारा ए होगा, 0.1 mH। एल इक्वल टू म्यू ए एन स्क्वायर बाई टी से निकालेंगे। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इट्स मोमेंट इज डायरेक्टेड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। द ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम द पॉइंट आर जीरो टू द पॉइंट -r0 बाय द एक्सटर्नल एजेंट। इन दिस प्रोसेस द वर्क डन बाय द एजेंट इज। आंसर डी, नेगेटिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। आंसर ए, नॉन यूनिफॉर्म। द स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इज नॉन यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन। टू बॉडीज ऑफ मासेज एम एंड 4 m आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0 इज। आंसर हमारा बी होगा, -9 gm/r। द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटर्न इज अप्रोक्सीमेटली 9 times दैट ऑफ अर्थ। द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटर्न इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। आंसर बी, 27 years। टू आइडेंटिकल स्क्वायर रॉड्स ऑफ मेटल आर वेल्डेड इन एंड टू एंड एज शोन इन द फिगर। 20 calorie ऑफ हीट फ्लोज थ्रू इट इन 4 minutes। इफ द रॉड्स आर वेल्डेड एज शोन इन द फिगर 2 द सेम अमाउंट ऑफ हीट विल फ्लो थ्रू द रॉड इज। ओके, तो आंसर हमारा ये होगा, 1 minute। फॉर अ गैस आर बाई सी वी इक्वल टू 0.4 वेयर आर इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एंड सी वी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। द गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर। आंसर ए, रिजिड डाई एटोमिक। सी वी माइनस सी वी इक्वल टू आर, आर बाई सी वी इक्वल टू सी वी माइनस सी वी बाई सी वी।
A monoatomic gas expands at constant pressure on heating. The percentage of heat supplied that increases the internal energy of the gas and that is involved in the expansion is answer C, 60% and 40%. Next, a wire is parallel to a square coil. The coil and wire carry currents in the direction shown. Then, at any point A within the coil, the magnetic field will be answer B more than the magnetic field produced due to coil only. 19. Two long parallel wires are at distance 2D apart. They carry steady equal current flowing out of the plane of the paper as shown. The variation of the magnetic field along the line XX dash is given by answer हमारा A होगा और ये रहे explanation. The net magnetic moment of two identical magnets, each of magnetic moment M naught, inclined at 60 degree with each other each. Answer हमारा C होगा under root 3 M naught. M naught equal to M naught square plus M naught square plus 2 M naught square cos theta cos 60 degree. A blind person after walking 10 steps in one direction, each of length 80 centimeter turns randomly to the left or to right by 90 degree. After walking a total of 40 steps, the maximum displacement of the person from its starting point can be answer हमारा C होगा 16 root 2 meter. और ये रहे explanation. अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ इनिशियल स्पीड ऑफ वी एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल. द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज आंसर हमारा बी होगा सी होगा यहाँ पे बी बाई टू अंडर रूट वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा. The acceleration of 3 kg block in the arrangement shown in the diagram when the given system is released from rest stage. आंसर हमारा ए होगा 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कंसिडर अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विथ अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस एट विच कार कैन बी स्टॉप्ड इज म्यू के इक्वल टू 0.5. आंसर हमारा सी होगा 1000 मीटर. वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाय 2a से करेंगे. If 10% of radioactive substance decays in 5 years, then the percentage of the substance that will decay in 20 years will be answer D 34.4%. N naught N by N naught equal to E to the power minus lambda T. The half-life period of a radioactive element X is the same as the mean lifetime of another radioactive element Y. Initially, they have the same number of atoms. देन आंसर होगा हम यहाँ पे आंसर यहाँ पे जो है एनटीए के द्वारा एक्स विल डीके फास्टर देन वाई होगा. लेकिन बहुत सारे टीचर्स का कहना है कि आंसर जो हमारा होगा 26 का वो सी होगा यानी कि वाई विल डीके फास्टर देन एक्स होंगे. ओके तो आप वेरीफाई कर लेना अपने टीचर से या फिर कहीं से भी. क्वेश्चन नंबर 27. अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज मूविंग इन SHM विथ अ पाथ लेंथ ऑफ 0.01 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ज. द मैक्सिमम फोर्स इन न्यूटन एक्टिंग ऑफ द पार्टिकल इज आंसर हमारा यहाँ पे एनटीए के द्वारा सी दिया हुआ यानी कि 100 पाई स्क्वायर. और जो हमारा बहुत सारे जो टीचर्स बता रहे हैं वो हमारा आंसर डी होगा यानी कि 50 पाई स्क्वायर. तो इसको भी वेरीफाई कर लेना. 28. अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस अंडर द पोटेंशियल वी एक्स इक्वल टू के स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई एक्स डैश वेयर के एंड एक्स डैश आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशंस. द पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन. द पार्टिकल ऑसिलेट्स विद एंगुलर वेव फ्रीक्वेंसी ओमेगा गिवेन बाई आंसर सी होगा अंडर रूट के बाई एम. 29. द व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. इफ अ सेकेंड बीम काउजेज फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू बी इजेक्टेड इट मे कंसिस्ट ऑफ आंसर हमारा बी होगा एक्स रेज यानी एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ एक्स रेज इज मोर देन एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज बिकॉज फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इज मोर देन द अल्ट्रावायलेट रेज. अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी 40 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल्स इन अ फ्री स्पेस इन द एक्स डायरेक्शन at some point at some instant. The electric field E has its maximum value of 750 newton per coulomb.
इन द वाई डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, आंसर हमारा सी होगा, 2.5 माइक्रो टेस्ला इन जेड डायरेक्शन। बीम इक्वल टू क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बी एम इक्वल टू ई एम बाई सी। अ क्यूबॉइडल पीस ऑफ वुड हैज डायमेंशंस ए बी एंड सी, इट्स रिलेटिव डेंसिटी इज डी, इट इज फ्लोटिंग इन अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सच दैट साइड ए इज वर्टिकल, इट इज पुश्ड डाउन अ बिट एंड रिलीज्ड, देन द टाइम पीरियड ऑफ एसएसएम ऑफ द वुडेन पीस क्या होगा। आंसर हमारा डी होगा, 2 पाई अंडर रूट डी ए बाई जी। ओके, और ये रहे एक्सप्लेनेशन। यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, आंसर सी, टेंसाइल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यंग मॉडुलस इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इफ आई इज केप्ट एट अ डेप्थ एच इन साइड द वाटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स एंड व्यू आउटसाइड, देन द डायमीटर ऑफ सर्कल थ्रू विच द अदर ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल बी, आंसर सी, 2h बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन। द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज बाई अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, आंसर डी, बिटवीन वेव एंड ऑप्टिकल सेंटर। द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज बाई कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकल पॉइंट एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिकॉज इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस फॉर दिस लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल एंड मैग्निफाइड, एंड फॉर रियल इमेज एम इक्वल टू निगेटिव, फॉर वर्चुअल इमेज एम इक्वल टू पॉजिटिव। मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ अ डिस्क अबाउट डायमीटर इज आई, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स रिम, आंसर ए, 6i। मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर इज 1/4 एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर इक्वल टू 4i। नाउ रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्सिया 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 इंटू 4i इक्वल टू 6i। द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन आई, इट इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अनदर आइडेंटिकल रिंग इज जेंटली प्लेस्ड ऑन इट शो दैट दियर सेंटर सेंटर्स कॉन्साइड, इफ बोथ द रिंग्स आर रोटेटिंग अबाउट द सेम एक्सिस देन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज, आंसर बी, आई ओमेगा स्क्वायर बाई फोर। टू गेट एन आउटपुट वाई इक्वल टू वन इन द गिवेन सर्किट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट इज करेक्ट, आंसर हमारा बी होगा, यहाँ पर जो है सी इक्वल टू वन होना चाहिए, तो यहाँ पर सी इक्वल टू वन केवल और केवल बी में ही है। ओके, इतना लंबा चौड़ा करने का जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं। द करेंट्स थ्रू डायोड्स डी वन एंड डी टू आर, तो आंसर हमारा बी होगा, आई वन इक्वल टू 0.1 और आई टू इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे जो है डी टू है हमारा रिवर्स में है, इसलिए करंट हमारा 0 होगा, यानी कि ब्रोकन वायर जैसा बिहेव करेगा। द एपरेंट कोफिशियंट्स ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड फील्ड इन वेसल ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल वॉल्यूम्स आर फाउंड टू बी गामा वन एंड गामा टू रेस्पेक्टिवली, इफ अल्फा वन बी द कोफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन ऑफ ए देन द कोफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन ऑफ बी विल बी, आंसर बी, गामा टू माइनस गामा वन बाई थ्री प्लस अल्फा वन। ओके, इफ ई एम जे एंड जी रिप्रेजेंट एनर्जी मास एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट रेस्पेक्टिवली, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई जे स्क्वायर बाई एम टू 5g² इज, आंसर हमारा डी होगा, डायमेंशन लेस होंगे, यहाँ पे सबका डायमेंशन पुट करेंगे उसके बाद हमारा यहाँ पे डायमेंशन लेस आ जाएगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे ई का जो डायमेंशन होगा ML2-2 और जे का होगा ML2-2 ML2t- और एम का 5m-1 L3t-2 का पावर 2, तो यहाँ M0L0T0 आ जाएगा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लेमडा इज के यूनिट्स, देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लेमडा बाई थ्री इज, आंसर हमारा डी होगा, के बाई फोर। फ्रॉम रिवेस्टर्स लॉ एक्सेप्ट फॉर पॉलिश्ड मेटेलिक सर्फेस द पोलराइजिंग एंगल, आंसर ये डिपेंड्स ऑन वेव लेंथ एंड
इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू वेवलेट्स लॉ ऑफ राइजिंग एंगल डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। अ पाइप ऑफ 1 मीटर लेंथ इज क्लोज्ड एट वन एंड टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज 320 मीटर पर सेकेंड। द एयर कॉलम इज इन द पाइप कैन नॉट रेजोनेट फॉर द फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्ज। आंसर बी 160। और ये रहे एक्सप्लेनेशन। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट सेपरेटेड बाई 0.8 मीटर इन अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज 0.5 पाई। द वेव वेलोसिटी इज आंसर बी 384 मीटर पर सेकेंड। अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्प्लेसमेंट एस एज एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एच टू द पावर -1/3। द पावर डिलीवर्ड बाई एफ विल डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट इज आंसर डी एच टू द पावर 0। ओके, तो ये सारे थे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना। ओके, जिन्हें पीडीएफ चाहिए सारे मॉक टेस्ट के तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ओके, और नए सब्सक्राइबर्स नए जो व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सारे मॉक टेस्ट के जो है क्विक रिविजन वीडियो आपको आते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।